नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कक्षा 8 तक 1.66 करोड़ छात्रों को बिना परीक्षा पास करने की शुरू हुई तैयारी। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा तक के लगभग 1.66 करोड़ छात्र बिना परीक्षा की अगली कक्षा में पास किए जा सकते हैं। पहली से आठवीं तक के स्कूल अभी भी हालांकि बंद है। नए साल में फरवरी से ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में नए साल के पहले 2 महीने में राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूल खोल दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं की पढ़ाई हो सके कि उनकी वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा भी ली जा सकेगी, इसके आसार कम ही है। आपको बता दें, प्रारंभिक शिक्षक भी बोर्ड परीक्षा के वीक्षण कार्य में लगाए जाते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के पास एक ही विकल्प बचता है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 की तरह ही 2020-21 में भी प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा की अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए। बिहार में MBBS और BDS एडमिशन लेना होगा आसान। बिहार में मेडिकल MBBS और BDS पढ़ने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर। मेडिकल MBBS और BDS पढ़ने के इच्छुक छात्र छात्राओं को अब 72 अधिक सीटों पर नामांकन मिलेगा। उनका नामांकन राज्य के मेडिकल कॉलेज में 85% सीटों के अलावा केंद्रीय कोटे की बची सीटों पर भी लिया जाएगा। इससे ये 72 सीटें बढ़ गई हैं, जिन्हें बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद यानी कि BCECEB अपनी सेकंड काउंसलिंग में शामिल करने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से दूसरे चरण का नामांकन लेने के बाद राज्य की 72 सीटें बच गई हैं। इन्हें MCC ने बिहार को बीते 10 दिसंबर को वापस कर दिया था। बिहार के नमकीन फैक्ट्री में काम करने वाला युवा भारतीय सेना का बना अधिकारी। बिहार के रहने वाले 28 वर्षीय युवक ने कमाल कर दिखाया है। दिहाड़ी पर काम करने वाले युवक ने भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल होकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। 28 साल के बालबांका तिवारी अपने शरीर पर सेना अफसर की वर्दी देखकर भावुक हो गए। वहीं भारतीय सेना में अपने बेटे को सिपाही से ऑफिसर बनता देखकर मां मुन्नी देवी की आंखें भी नम हो गई। आपको बता दें, भारतीय मिलिट्री एकेडमी से बीते दिन ग्रेजुएट हुए बालबांका बिहार के आरा जिले के निवासी है। एक किसान के बेटे तिवारी के अनुसार विश्वास और दृढ़ता की बदौलत ही वो आज यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, 12वीं क्लास के बाद में आरा से उड़ीसा के राउरकेला में वो चले गए थे, जहां उन्होंने लोहे की फैक्ट्री में काम शुरू किया था, फिर नमकीन फैक्ट्री से जुड़ गए थे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सोनी सिंह की। सोनी सिंह का जन्म आज के दिन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। सोनी सिंह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वो कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में दिखाई दी हैं। वो रियलिटी शो बिग बॉस 8 में शामिल प्रतियोगियों में से एक थी, लेकिन 5वें सप्ताह के बाद वो घर से बाहर निकल गई थी। उन्होंने घर की लक्ष्मी बेटिया में भी अहम भूमिका निभाई है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने छात्रों दिया गुरु मंत्र। किलकारी बिहार बाल भवन ने प्रेक्षा गृह में संवाद सत्र का आयोजन करवाया था। इस कार्यक्रम में सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को बतौर अतिथि बुलाया गया था। उन्होंने छात्रों को सफलता के गुर भी सिखाए। कार्यक्रम में लगभग 200 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। संवाद सत्र के दौरान आनंद कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हमें प्रतिदिन खुद को निखारने की जिद होनी चाहिए। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम कल से शुरू करना चाहते हैं, उसे आज ही शुरू कर दे। वहीं छात्रों के पूछे गए सवालों का भी आनंद कुमार ने जवाब दिया है। अभिभावक का सहयोग ना मिले उस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसको आप नकारात्मकता ना समझे, इसमें परिवार का दोष नहीं है, यह परिस्थिति और मानसिकता के कारण होता है। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ घने कोहरे के छाने के बड़े आसार। बिहार के लगभग सभी शहरों में बादल छाने के आसार देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से घने कोहरे से निजात मिली है। इसके बाद सभी शहरों की दृश्यता में तेजी से सुधार हुआ है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बादलों की वजह से आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को पटना सहित राज्य के कई भाग में आंशिक बारिश के आसार है। मौसमविदों का पूर्वानुमान है कि राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम में बदलाव की वजह अरब से हवा का प्रवाह, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से हवा का प्रवाह और पश्चिमी विभोक्ष तीनों कारक हैं। विमानों का परिचालन विजिबिलिटी बेहतर होने से काफी तेजी से सुधरा है। पटना में जल्द दिखने लगेंगे मेट्रो के खंभे। भूमि जांच और निविदा प्रक्रिया के बाद अब पटना मेट्रो का निर्माण जमीन पर दिखने लगा है। बाईपास के इलाके कई जगह सड़कों के किनारे पटना मेट्रो की लाइन के लिए पाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले बलाही पकड़ी से राजेंद्र होते हुए बाईपास से बढ़कर आगे पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पटना मेट्रो का काम समय से पूरा हो जाने की उम्मीद है। पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13,365 करोड़ से अधिक का बजट पास किया गया है। परियोजना में 20% बिहार, 20% केंद्र और बाकी 60% जापान इंटरनेशनल
कॉरपोरेशन एजेंसी से भी कर्ज लिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए कोविड 19 की चपेट में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मेरी कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले एक हफ्ते से जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे आग्रह है कि कृपया अपना भी कोविड 19 जांच जरूर करवा ले। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कोविड 19 संक्रमण के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों की बात करें तो सूबे में लगभग 500 मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं इस दौरान 5 मरीजों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें, जीतन राम मांझी से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने भी अपने संपर्क में आए सभी लोगों से शीघ्र अतिशीघ्र जांच करवाने की मांग की थी। किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन के समर्थन में आज सभी जिला मुख्यालयों पर निकाला गया मार्च। किसान संगठनों की तरफ से किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में किसान समन्वय समिति द्वारा आज बिहार के सभी जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च और सभा का आयोजन किया गया। इससे पहले रविवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने किसानों के अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज करने की घोषणा कर दी थी। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने रविवार को कहा था कि सरकार किसानों के चल रहे आंदोलन की समस्या को हल करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जबकि उसका असली मकसद भारतीय और विदेशी कॉरपोरेट को बढ़ावा देना है और देश की खेती किसानी को बर्बाद करना है। तेजस्वी यादव ने पूर्व विधायक सहित 11 को राजद से निकाला बाहर। बिहार विधानसभा चुनाव में बागी तेवर दिखाने वाले विधायकों के खिलाफ तेजस्वी यादव ने कड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत दरभंगा के राज्य जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव को बाहर निकाले जाने के साथ ही तेरैया के पूर्व विधायक सहित 11 अन्य पार्टी नेताओं को भी निष्कासित कर दिया गया है। यह वैसे लोग हैं जिन पर पार्टी ने कार्रवाई की है। उसमें तेरैया के पूर्व विधायक मुद्रिका प्रसाद राय, तेरैया प्रखंड अध्यक्ष वीर बहादुर राय, इसुआपुर प्रखंड अध्यक्ष मंजूर हसन उर्फ बबलू, पानापुर प्रखंड अध्यक्ष अनिल यादव, रिवीलगंज प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र राय, रिवीलगंज के नगर अध्यक्ष रंजीत रॉय, जिला महासचिव सुमन रॉय, युवा राजद के सुनील कुमार रॉय, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राम पुकार महतो, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव शिव प्रसाद मांझी और तेरैया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहे मिथिलेश राय का नाम शामिल है। इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का नियम। अगले साल के शुरुआत से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। ऐसे में लोगों को 50,000 से अधिक के भुगतान पर कई नियमों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक की माने तो 1 जनवरी 2021 से डिपॉजिट पर नया नियम लागू होगा। इस सिस्टम में 50,000 से अधिक के पेमेंट पर दोबारा से ही कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और ATM के लिए जारी हो सकेगा। इसके जरिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम पर ही और राशि की डिटेल्स को देना होगा। हालांकि यह सारी डिटेल बैंक द्वारा एक बार फिर से चेक की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ डे नाइट टेस्ट मैच खेलने पर हनुमा विहारी ने सबसे बड़ी चुनौती का बताया कारण। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 दिसंबर को पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाना है। हालांकि टेस्ट मैच से पहले ही खिलाड़ियों को कुछ परेशानी सताने लगी है। इसी क्रम में भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज हनुमा विहारी का मानना है कि डे नाइट मैच में फ्लड लाइट्स में पिंक बॉल से खेलना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि पिंक बॉल से प्रैक्टिस करने से डे नाइट टेस्ट के लिए आदर्श तैयारी मिली है। भारतीय खिलाड़ियों ने दोनों प्रैक्टिस मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। फ्लडलाइट्स में गेंदों को हवा में ज्यादा मदद मिलती है और इस बात को टीम ने एक चुनौती के रूप में महसूस किया है और सभी बल्लेबाज एडलेड में पहले टेस्ट मैच में उतरने से पहले इसे एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। पूरी टीम इस बात को सुनिश्चित करेगी कि वो एक इकाई के रूप में खेले और एक अच्छा स्कोर बनाए। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 98 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 27,071 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 98,84,100 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 336 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,43,355 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 93,88,159 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 352,586 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार पटना मेट्रो के आ जाने से सड़कों पर मिलने वाले जाम से निजात मिलेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।